Good morning, students. Yesterday I provided you notes of poem Wind. Today I am going to explain poem Wind line wise. Wind, it is written by Subramanya Bharati in Tamil language, but it is translated by A.K. Ramanujan in English. Wind can be constructive, it can be destructive. Constructive or creator, as you know that wind turbine, they are used to provide mechanical power. Even the many mills are using wind energy for their production. Even Denmark can be taken as an example, that Denmark is using 43.4% of consumed electricity through wind. But destructive, wind can be destructive, as high winds can create cyclones, hurricanes and typhoons. These are the powerful storms that have winds in excess of 119 km. This can create havoc. So let's read the poem. Poem Wind, written by Subramanya Bharati, translated by A.K. Ramanujan. First line: Wind, come softly. Wind, come softly. In the very first line, you see that poet addressed wind. So when poet addressed any inanimate things or other creature like a person, that is called personification. Means personification is a poetic device. When any inanimate thing or other creature is treated or addressed as a person. तो यहाँ पर इस लाइन में, पहली लाइन में हवा को कवि ने संबोधित किया है कि जब किसी भी इनएनिमेट चीज़ को पर्सन की तरह ट्रीट किया जाए या संबोधित किया जाए तो उसको हम उसका मानवीकरण किया जाए, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. नाउ वो क्या कह रहा है पोएट, विंड कम सॉफ्टली. इट मीन्स poet is requesting the wind to be gentle, to blow slow. In second line, the poet says, don't break the shutters of the window. आपने देखा ना कि किस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे सुब्रमण्य भारती हवा से बात कर रहे हैं. क्या कह रहे हैं, don't break the shutters of the window. कि मैंने पहली लाइन में बताया कि वो उसको जेंटल होने के लिए उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड से कि वो बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही सॉफ्टली चले. और वो उसके साथ साथ क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, कि विंडो के जो शटर्स हैं उसको ना तोड़े. डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को ना बिखराएं. एंड डोंट थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जो शेल्फ पे किताबें रखी हैं उनको वो फेंके ना. तो लेट्स स्टार्ट विद द अगेन फर्स्ट लाइन, कि यहाँ पर वो डिस्कस क्या करना चाहता है. सबसे पहले तो वो, आपने जब इन तीन लाइनों को देखा, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रू द डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, तो आपको कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रक्टिव, जो मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था ना कि जो विंड है वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, तो वो वाला उसका रूप दिखाई दे गया होगा कि वो एक वायलेंट है और इसी वजह से वो विंडो को, शटर्स को तोड़ देती है और पेपर्स को बिखरा देती है, किताबों को जो है वो गिरा देती है. तो ये इसका वो डिस्ट्रक्टिव वाला रूप है. तो अब हम इसके पोएटिक डिवाइस यूज़ करेंगे कि डिस्कस करेंगे कि पहला तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर विंड को पर्सोनिफाई किया गया है. नाउ नेक्स्ट थ्री लाइन्स यू कैन सी, डोंट डोंट डोंट. इट मीन्स वर्ड डोंट इज यूज इन कंजक्टिव थ्री लाइन्स, ठीक है, रिपीट किया गया है. अगर ये एक साथ होता ना एक ही लाइन में डोंट डोंट, तो वो होता रिपीटेशन. लेकिन ये जो एनाफोरा है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट काइंड ऑफ रिपीटेशन, बट इट इज यूज इन डिफरेंट कंजक्टिव लाइन्स. तो यहाँ पर तीन कंजक्टिव लाइन्स में वर्ड डोंट 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 यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर एनाफोरा है. अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर एनाफोरा यूज क्यों किया गया है, क्यों इस पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है. एक्चुअली पोएट सुब्रमण्य भारती एक्सप्रेसेस हिज स्ट्रोंग अर्ज टू द विंड टू बी जेंटल एंड काइंड. कि वहाँ, यहाँ पर वो सुब्रमण्य भारती है, वो क्या कर रहा है, वो अपनी
इच्छा एक्सप्रेस कर रहा है कि जो बहुत स्ट्रोंगर कि हवा जो है वो जेंटल बने, काइंड बने। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा। देयर लुक व्हाट यू डिड, देयर लुक व्हाट यू डिड। अगेन इन सेकेंड स्टैंजा क्या कर रहा है वो बात कर रहा है पोएट किससे, हवा से। अगेन यू कैन से दैट हेयर विंड इज परसोनिफाइड। वो इवन कंप्लेनिंग मूड में है, कहता है देखो तुमने क्या कर डाला, क्या कर डाला। यू डिड देम, यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू थ्रू देम ऑल डाउन कि तुमने तो सारी किताबों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, ये किताबों के सारे पेजेस को तुमने फाड़ डाला। यू ब्रॉट रेन अगेन, और देखो तुम फिर से बारिश ले आई। यू आर वेरी क्लेवर, एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। यू मे हैव अंडरस्टूड बिकॉज लैंग्वेज इज वेरी सिंपल। हेयर अगेन वट पोएट इज सेइंग, देयर लुक वॉट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया। मीन्स इन लाइन में वो जो डैमेज हुआ है विंड की वजह से उनको मेंशन कर रहा है और डायरेक्टली उसको ब्लेम कर रहा है कि यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी किताबें फेंक दी। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने किताबों के पेज फाड़ दिए। यू ब्रॉट द रेन अगेन, और आपको जैसे पता ही है कि हवा की वजह से ही जो क्लाउड्स जो होते हैं, जैसे उनमें आपको सारा मोटरसाइकिल याद होगा कि कैसे पानी जो है एवोपरेट होता है, आगे बादल जब बनते हैं ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो हवा के चलने से बादल के आपस में टकराने से बारिश शुरू हो जाती है। तो अगेन वो यहाँ पर हवा को ही बोल रहा है कि तुम बारिश फिर से ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग, पोकिंग होता है टू मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना, कि तुम जो बहुत चालाक हो, तुम वीकलिंग्स, वीकलिंग्स फ्रेल कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाती हो। तो यहाँ पर जो देम यूज़ किया गया है, देखिए यू थ्रेड थ्रू देम ऑल, मैंने आपको बताया था कि बुक्स के लिए यूज़ किया गया है, कि हमने जो फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था कि किताबें जो हैं वो शेल्फ पे रखी उन्हें मत गिराओ, तो अब उस लेकिन तेज़ हवा थी किताबें गिर गईं, तो पोएट उनको ब्लेम कर रहा है कि तुमने सारी किताबों को नीचे गिरा दिया, तुमने पेजों को फाड़ दिया है। ठीक है तुम बारिश को दोबारा ले आई हो, और तुम कमज़ोरों का, यानी कि वो बताना चाहता है कि विंड हार्म्स एंड टेरिफाइज द वीकलिंग्स, जो कमज़ोर लोग होते हैं ना उन्हीं को नुकसान पहुंचाती है, एंड मेक मेक देयर फन, उनका मजाक उड़ाती है हवा। तो इसमें भी हमने देखा कि अगेन यू यू यू, दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन एनाफोरा, एंड विंड इज परसोनिफाइड।